कि प्रदीप भुजेलमाथि अन्याय भएकै हो त? प्रदीप भुजेलले जमिन अतिक्रमण गरेकै हुन् त? भुजेलले अवैध घर निर्माण गरेकै हुन् त? आखिर किन चलाइयो त भुजेलका दुई घरमाथि बुलडोजर? एकातिर आफ्ना घरमाथि बुलडोजर चलेपछि न्यायको ढोका ढकढकाउन अदालत पुगेको कुरा गर्दैछन् प्रदीप भुजेल भने अर्कोतिर सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर अवैध घर निर्माण गरेको उनीमाथि आरोप उठिरहेछ। कि प्रदीपमाथि अन्याय भएकै हो त? भुजेलको घरमा बुलडोजर चलाइनुको पछि के थियो त कारण? कालेबुङको पन्बुमा दुईवटा घरमाथि बुलडोजर चलेपछि जिल्ला प्रशासन अनि घर मालिक प्रदीप भुजेल बीच विवाद अहिले घरि निकै चुलिएर गएको छ। विगत धेरै समयदेखि सरकारी भूमि अतिक्रमण र अवैध घर निर्माण विषय लिएर कालेबुङ जिल्ला प्रशासन अनि प्रदीप भुजेल बीच विवाद चलिरहेको थियो भने 23 जुलाई मंगलबार कालेबुङ जिल्ला प्रशासनले अभियान चलाएर प्रदीप भुजेलका दुईवटा घरमाथि बुलडोजर चलाएको थियो। कालेबुङ जिल्लाको याङमाकुम ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पन्बुमा अवस्थित सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर अवैध रूपमा घर निर्माण गरेको प्रदीप भुजेलमाथि आरोप उठिरहेको थियो। प्रदीप भुजेललाई उक्त ठाउँबाट सरिदिने प्रशासन पक्षबाट पटक पटक सूचित गरिए पनि भुजेल उक्त ठाउँबाट नसरेपछि नै मंगलबार प्रशासनले उक्त अवैध घरहरूमाथि बुलडोजर चलाएको बताइएको छ। प्रशासनले घर बत्काएको समयमा भुजेल घटनास्थलमा थिएनन्। पछि प्रशासनले आफ्नो घर भत्काएकोमा प्रदीप भुजेलले क्षुब्ध बन्दै आफूमाथि अन्याय भएको र आफू उच्च अदालत पुगेको बताए। मेरो घर जबरजस्ती भत्काउने काम भयो भन्दै यदि भोलिको दिनमा आफ्नो घरमा बस्न नपाए डिएम कार्यालयमा गई धरना दिने समेत भुजेलले चेतावनी दिएका छन्। उक्त क्षेत्रमा थुप्रै घरहरू अवैध रहेको र तिनीहरू पनि भत्काइनुपर्ने माग पनि उनले गरेका छन्। यसमा म घोर विरोध, ठाडो विरोध गर्छु र भोलिको दिनमा म बस्नु नपाएको खण्डमा माथि डिएम अफिसमा गएर म धरना बस्दैछु र किनकि मेरो घर भत्कियो भने जबरजस्ती बनाएको खण्डमा उनीहरूले भत्काएको खण्डमा उनीहरूले त्यसको मलाई राम्रोसँगले रिपोर्ट दिनुपर्छ। कोर्ट चाहिँ कोर्ट त कोर्टको दैलो बन्द गर्दा भयो त, अन्त डिएमले अर्डर दिँदाखेरि दिएर भत्किन्छ भनेदेखि त त्यसरी नै तपाईँको लामादेनदेखि लिएर तपाईँको त्यत्रो फरेस्ट लेनमा कमर्सियल लेन बनाइरहेको छ, समथारमा त्यत्रो पिडब्ल्युडीको जमिनमा यत्रो बाङ्लो बनिरहेछ, उनीहरूको महल बनिरहेछ, त्यसको पनि जाँच पडताल हुनुपर्छ र म त्यसै कारण आज म हाइकोर्ट आएको छु। अर्कोतिर प्रदीप भुजेलको प्रतिक्रियापछि जिल्ला प्रशासनले भुजेलको बयान सरासर गलत रहेको अनि प्रशासनिक कारवाही उचित प्रक्रिया अनुसार नै गरिएको जनाएको छ। उच्च न्यायालयको आदेश पनि उनी विरुद्ध रहेको कालेबुङका जिल्लापाल बाला सुब्रमण्यम टीले जनाएका छन्। डिएमको भनाई अनुसार उक्त जमिन सरकारी रहेको अनि स्थानीय प्रदीप भुजेलले सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेर कच्ची घर निर्माण गरेका थिए। उनलाई प्रशासनले अग्रिम जानकारी दिएर घर हटाउने निर्देश जारी गरे पनि उनले नहटाएका कारण नै प्रशासनले बाध्य भएर डोजर लगाई घर भत्काउनु परेको जिल्लापालको भनाइ छ। यसअघि भुजेलले न्यायालय समक्ष गरेको उजुरीलाई पनि न्यायालयले खारेज गरेको दावी समेत जिल्लापालले गरेका छन्। उधर एक जगह एक्चुअली उनका पट्टा है, एक 1250 करके गैलार प्लॉट है उधर पंडुबी पॉइंट के आसपास में, 1250 उसमें 5 डेसिमल है, उन लोग भी वो भी मानते हैं। इवन मेरे पास एक अपील हुआ था, उसी में भी ही वाज एक्सेप्टिंग मेरा 1250 5 डेसिमल, बट अभी वो क्लेम कर रहा है किधर वो घर बना रहा है वही उनका 1250। वो इट्स अ फैक्चुअल डिस्प्यूट, वो तो उनको दिखा दिया, सर्वे किया, वैसे भी ऐसे कुछ नहीं है कि उनका 125 जो 1250 अलर्ट हुआ उसी में उनका घर है। मेन थिंग इज वो ये सप्रेस भी कर रहा है मीडिया के साथ भी, सोशल मीडिया में भी, 1250 प्लॉट में उनका 5 एकड़ जमीन में उनका घर है, ऑलरेडी घर है, उन लोग रहते हैं, ये 169 है उसका बगल वाला जमीन है, तो इसको लेके
तब हम लोगों का ऑलरेडी प्लान हो चुका है उधर, 2023-24 का पंचायत समिति का एक प्लान हो रहा है उधर, तो इट इज आइडेंटिफाइड प्लेस फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। तो तब वो खाली था, वी हैव वेरीफाइड। इन लोगों ने काम शुरू करने के समय टेंडर भी हो गया, टेंडर होने के बाद बीच में इलेक्शन के टाइम में वी वर लिटिल वी कुड नॉट स्टार्ट द वर्क दैट टाइम। ही अंडरस्टूड दैट ये तो कुछ काम चल रहा है करके ही स्टार्टेड एनक्रोचिंग इट। तो उसका प्रधान पंचायत से भी उन लोग नोटिस किया इनिशियली टाइम ऑफ एजिंग, वो नहीं माना बिकॉज पंचायत से परमिशन भी नहीं मिला, बिल्डिंग परमिशन भी नहीं मिला। एक्चुअली वैसे गवर्नमेंट लैंड है तो बहुत सारा डिस्प्यूट थे पंचायत हैज गिवन। एंड उसके बाद एसडीओ के पास आया वेस्ट बंगाल, हम लोग एविक्शन एक्ट से अंदर हम लोग थ्रू प्रोसीजर जा रहे थे, जाके उनको नोटिस भी दिया। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में क्लियरली पूरा फैक्ट्स देख के उनका वो खारिज भी किया, और हाई कोर्ट ने बोला दिस फैक्चुअल डिस्प्यूट एंड ही कुड नॉट प्रूव। एंड हम लोग भी उनको अपील के टाइम में भी हम लोग पूछ रहे थे एनी वॉट एवर हिज जस्टिफिकेशन, वो दे सकता, कुछ नहीं दे पाया बिकॉज इट इज अ वेरी क्लियर कट थिंग। बिकॉज उधर सर्वे का भी कुछ इश्यू नहीं है, बिकॉज इनका जो है बोल रहा प्लॉट चेंज हो गया, तो प्लॉट चेंज हो तो बाकी लोग का भी कुछ कुछ प्रॉब्लम होगा। पर इसी दो प्लॉट का 1250 और 1699 का बीच में सपोज गलती हुआ, उसमें भी क्या होगा, 1250 काली होना चाहिए, 1250 भी काली नहीं है, उनके पोजिशन में है, दे हैव अ पक्का हाउस, पक्का हाउस। वो जो बोल रहा है मैं घर नहीं है बाहर खड़े हो रहा हूँ, रॉन्ग, उनका पास पक्का घर भी है। और 1699 इस इतना दिन खाली हुआ, अभी तो वुडन स्ट्रक्चर कर रहा था, इट इज बिन मेंशनड इन कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो, इट इज वुडन स्ट्रक्चर, इज नॉट अ परमानेंट स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा कोशिश कर रहा था तब, जस्ट बिफोर द वर्क इज बीइंग स्टार्टेड, तो इट्स ऑल वेरी क्लियरली नोन। तो ही इज आई डोंट नो क्या मोटिवेशन है उनका भी, बिकॉज एज अ पर्सन एज अ सिटीजन इफ ही कम्स विद सम ग्रीवेंस वी आर बाउंड टू रिजॉल्व, बट ही इज फाइलिंग अ केस एंड ही इज ट्राइंग टू पुट इन अ रॉन्ग शेप। तो हम लोग भी लीगली जाना पड़ता था, वो केस क्लियर हो गया, अभी मेरे पास भी अपील आया, मैं अभी पूरा देख के ड्यू हियरिंग करके तो मैं उसको खारिज किया। तो वी आर नॉट बाउंड टू डू रैंडम थिंग्स, सो वी आर बाउंड टू डू एवरीथिंग लीगली। तो लीगली हुआ, एनीबडी कैन चेक इट। तो क्लियर कट वायलेशन है, तो एंड इट्स इंटेंशन भी रॉन्ग। तो ऐसे हम लोग तो बोलते हैं लीगल में मेंस रिया करते हैं, इनका इंटेंशन भी रॉन्ग है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। तो जो है हम लोगों का यही बोलना है, इट्स अ क्लियर कट। 1699 जो उधर एविक्शन हुआ, एविक्शन प्रोसेस हुआ, दैट इज नॉट इन 1250, जो उनका लैंड है, उनका घर पक्का बाड़ी ठीक ही है, वो ठीक ही रह रहा है। पास में गवर्नमेंट का जमीन में इंक्रोचमेंट था, वो कोई प्रदीप गुजल किया बा और कोई किया, हम लोगों का क्या मतलब है। तो इट इज जस्ट अ प्रोसीजर एंड इट्स ऑलरेडी अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, इज ऑलरेडी साइंड ऑफ इन दैट एंड टेंडर हो चुका है, तो नाउ एवरीबडी इज आंसरेबल। तो ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, तो लीगली जो प्रोसेस हो चुका है वो ये है। तो दिस इज अवर क्लैरिफिकेशन, फैक्चुअली ही डिस्प्यूट्स, फैक्चुअली डिस्प्यूट है उनका क्लेम में, और ही कुड नॉट प्रूव वट एवर हिज क्लेम इज, क्लियरली बोल देगा एंड देर इज नो अल्टरनेट रेमेडी करके वो कोर्ट बोल चुका है, बिकॉज हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी टू ऑन दिस काइंड ऑफ इश्यूज, एंड हाई कोर्ट क्लियरली बोला है एंड अपील के लिए डील करने के लिए बोला। सो अपील भी हम लोग लिया, अपील में भी कुछ इन लोग नहीं दे पाए, सेम थिंग सेम स्टेटस व्हाट एवर दे आर प्रोवाइडेड इन हाई कोर्ट दे आर प्रोवाइडिंग, सो हम लोग उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाया। तो वी आर गोइंग थ्रू एज पर द एक्ट एंड रूल्स, और कुछ बाहर किसी का वेस्टर्न इंटर वो क्लेम कर रहा है, ही इज क्लेमिंग मे बी हिज परसेप्शन, उनका लोकल कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, तो उसी का और हम लोग का ये एविक्शन का कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग पर्टिकुलरली 1699 एनीबडी कैन वेरीफाई, एनीबडी कैन वेरीफाई, फैक्चुअल थिंग, नोबडी एल्स हैज एनी डिस्प्यूट इन देर एरिया, सो सर्वे एंड सेटलमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, तो इनका पोजेशन में भी नहीं था, तो हटात पर देन ही इज ट्राइंग टू डू इट। तो ये तो क्लियरली लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट कोई कर रहा है, मोटिवेशन क्या है हम लोग को पता नहीं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, वो कोई उनको ऐसे मिसगाइड कर रहा होगा, मोटिवेट कर रहा होगा, दैट इज डिफरेंट, बट दिस इज द क्लियर लीगल पॉइंट। जिला प्रशासन की तरफ से इसके अगेंस्ट में कुछ सी इजिली ना, वी कैन टेक सी एक्शन कैन बी टेकन, बट एज अ सिटीजन वी डोंट वॉन्ट, दिस इज नॉट अवर मोटिव, हम लोगों का वो किसी व्यक्ति के अगेंस्ट जाने का कुछ नहीं है, बट इफ ही इज लीगली गोइंग वी हैव टू गिव द काउंटर, वो तो जो हम लोग करेंगे, बट एडिशनली हम लोग कुछ करने का हम लोग का ये नहीं है। बट सी दिस आर ऑल लाइक एनक्रोचिंग द टाइम ऑफ ऑफ इज पब्लिक टाइम, एंड हम लोगों का जो टाइम नष्ट हो रहा है तो ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड इट्स अ पब्लिक टाइम, पब्लिक का काम करने का ही टाइम है। तो हम लोग का ऐसे कुछ नहीं है कि इंडिविजुअली उनको ये करना और कुछ नहीं है, वी आर ओनली गोइंग टू वॉट एवर ही हैज फाइल्ड अ केस वी हैव रिप्लाइड एंड इफ एनीथिंग हैज बीन लीगल लीगली वी विल आल्सो लीगली रिप्लाई। सर वो बोल रहे थे कि इस टाइम पर वो काउंटर नहीं थे, इस टाइम पर ये मतलब थोड़ा गया ना, वो तो पूरा ऑलरेडी दैट्स व्हाई, ना ना ऑलरेडी नोटिस किया, एवरीथिंग इज वी हैव एवरी प्रूफ, जैसे ना सी तो अभी सोशल मीडिया है, कोई भी कुछ बोल सकता है, बट वेरिफिकेशन आप लोग सब समय कर सकते हैं एंड वी आर ओपन टू दैट।
इवन आप ओपनली बोलिए, आप ये भी नहीं चाहिए, आप ओपनली बोलिए तो वी कैन गिव द इन्फॉर्मेशन। एवरीथिंग इज ड्यू प्रोसेस में, इट्स नॉट हरी भरी में कुछ नहीं हुआ, इट्स 2-3 मास से प्रॉपरली चल रहा है, कोर्ट के थ्रू जाके ही तो आया है, तो देयर इज नथिंग टू हाइड, वी डोंट नो हैव एनी बैड इंटेंशन टू हाइड एनीथिंग, ही इज लाइंग, आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड हिज लाइज, ही ओनली विल बी। Hello everyone, myself Pratik Sarai. I am from Meerut. I am first year student of Asha Paramedical and Nursing Institute. Currently I am pursuing DMLT, which is basically a lab technician course. And the reason I choose Asha Paramedical and Nursing Institute because of excellent facilities that this institute provides to students, and teachers are really friendly. They try their level best to make us understand. Asha Paramedical and Nursing Institute involves their students not only into theoretical but as well as into practical classes as well. मेरो नाम क्षितिज सुब्बा लिम्बू हो, म खरसाङबाट, म चाहिँ अहिले डिएमएलटी ब्याचमा छु, किनकि डिएमएलटी ब्याचमा अहिले यो डिपार्टमेन्ट अफ मेडिकल ल्याबोरेटरी टेक्निसियन गर्दैछु। र जब म यो फिल्डमा मतलब आउन पुगेँ, तब यो फिल्डमा आएर मैले धेरै कुरा जान्न पाएँ र धेरै कुरा मैले हामीले एउटा एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ। र आज यो आशा प्यारामेडिकल नर्सिङ इन्स्टिट्युटले धेरैवटा हामीलाई एउटा स्किल्सहरू, धेरैवटा कुरोहरू सिक्ने जान्ने मौका, एउटा फिल्डमा निस्केर होइन एउटा फिल्डमा मतलब हामीलाई धेरैवटा कुरो जान्ने एउटा एक्सपिरियन्स गराउनु भएको छ। सम्पूर्ण आशा प्यारामेडिकल फ्यामिलीलाई पनि म एकदमै होइन थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि साथसाथमै म्यामहरू पनि, जति पनि म्यामहरू एकदमै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ, एकदमै गाइडेन्स पनि दिनुहुन्छ उहाँहरूले, र धेरै प्रत्येक चिजहरूमा, पढाइको क्षेत्रमा भयो, करिकुलर एक्टिभिटिजहरूमा भयो, जेमा पनि इच एन्ड एभ्री मतलब सानो सानो कुरोदेखिको लिएर प्रत्येक चिजमा उहाँहरूले हामीलाई प्रपर एउटा गाइडेन्स दिनुहुन्छ। र त्यही गाइडेन्सको कारणले गर्दा फेरि आज हामी एउटा धेरैवटा मतलब एउटा प्यारामेडिकल कोर्सेसको जुन चाहिँ नलेजेसहरू हामीले गेन गर्न सकिरहेका छौँ।